Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. This is your Pooja Gupta channel. Sorry. So, hum aaj kar rahe hain Praja Mandal ka last section. So, jal se jal isko khatam karte hain. I hope you enjoyed the session. So, sabse pehle isko khatam karte hain. And students, please, ye ek examination point of view se very important topic hai. So, main aapko yehi chahungi kyunki paper mein hum chhod ke jaate hain. Maximum hume samajh nahi aata. बोरिंग लगता है कि कौन पढ़ेगा, लेकिन जिसको भी तैयारी करनी है उसको उसके लिए ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल है. आपको तभी समझ आएगी कि फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल कैसे बनी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आज एक छोटा सा सेशन है जिसमें हम करेंगे, देखिए रीजनल काउंसिल्स हमने कर ली, देन उसके बाद हमने जो है सब रीजनल काउंसिल्स हमें, आज हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स में क्या क्या हुआ था. सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को समझ लीजिए. ठीक है, प्रतिनिधि सरकारें, जिसको रिप्रेजेंटेटिव मूवमेंट्स क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सरकारें, जिसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. देखिए क्या था कि आपका सब रीजनल काउंसिल बन गया था, सब रीजनल काउंसिल्स की जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी होने लग पड़ी, तो उसके बाद प्रतिनिधि सरकारें बनने लगी. प्रतिनिधि सरकार में जो ठाकुर था, कुनिहार का जो राजा था, उस वो इन मूवमेंट से जो ये मूवमेंट्स चली थी सब रीजनल, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जो मूवमेंट्स चली थी उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जगह पे जाकर जितने भी लोग थे उनको भी इस मूवमेंट के लिए ज्वाइन करवाया. अब उसके बाद तो सबसे पहली चीज़ किसने अप्रिशिएट की थी मूवमेंट्स, ठाकुर ऑफ कुनिहार. जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो वहाँ के लीडर थे, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ठियोग स्टेट्स के थे उन्होंने, अब देखिए हमें पता है कि ठियोग जो है इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद द इंडियन, मर्ज किया था इंडियन के साथ. तो इंडिपेंडेंस लीडर कौन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठियोग के थे, जिसने राणा करमचंद को, मतलब जो भी लीडर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने किसको फोर्स किया था, राजा करमचंद को फोर्स किया था कि वो इस रियासत को छोड़ के चले जाए. तो उन्होंने जो है 13 मेंबर्स की एक मंत्री परिषद अनाउंस कर दी थी और बाद में जो है वो चले गए थे. और जब ये कुनिहार के लोगों ने जब इस चीज़ को इस मूवमेंट्स पे पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया के जो मेन लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने इन एफर्ट्स को जो भी हिल स्टेट्स में एक्टिविटीज चल रही थी किसने अप्रिशिएट किया, किसने स्वागत किया, महात्मा गांधी ने. ठीक है, कौन आफ्टर 5 ईयर्स जो आ गया था वो था करमचंद ने वापस जो है एज ए ट्रेरर होता है, जैसे सपोज करो जो फाइनेंस अकाउंट्स को नहीं देखते वो है, जैसे कोषाध्यक्ष जिसको आप बोल सकते हो, वो जो है उनको 5 महीने बाद लोगों की सहायता से ये कोषाध्यक्ष बन गया और वापस पावर में आ गया. तो किसने आर्म पुलिस भेजी थी इसको कैप्चर करने के लिए, आर्म क्या भेजी गई थी, आर्म पुलिस भेजी गई थी, किसने भेजी थी, सरदार पटेल ने, ताकि राणा को कैप्चर किया जाए और उस रियासत से बाहर निकाल दिया जाए. ठीक है, और पहली ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विच इज़ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट दैट इज़ टू मर्ज विद द यूनियन, के आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी रियासत भारत के साथ मर्ज की थी, वो थी ठियोग, राइट. उसके बाद जुब्बल के किस राजा ने एक कमेटी, 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई. तो पहली चीज़ किस जगह के राजा थे, जुब्बल के राजा थे. कौन थे, दिग्विजय चंद्र. कितने मेंबर्स की कमेटी बनाई, 8 मेंबर्स की. तो ये याद रखना कितने मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई. किसने बनाई, दिग्विजय चंद्र ने बनाई और जुब्बल ने बनाई. नेक्स्ट, इस 8 मेंबर्स की कमेटी में था क्या, दैट इज़ 5+5:3 की रेशियो, 5 आपके इलेक्टेड थे और 3 जो थे वो नॉमिनेटेड थे. ठीक है, और इनका इस कमेटी का मेन काम क्या था कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनना और उनके लिए रिफॉर्म्स करना. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रतिनिधि सरकार, जब ये चीज़ हुई तो फिर से एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि प्रतिनिधि सरकार को बनाया जाता है, एक प्रतिनिधि सरकार बनाएगी जिसके लीडर कौन रखेंगे, भागमल सहोता. ये याद रखना, जुब्बल में किसने 8 मेंबर्स कमेटी बनाई, दिग्विजय चंद्र. कितने मेंबर्स की थी, 8 की थी. फिर उसके बाद उनका काम क्या था, टू हेयर द टास्क और द पीपल्स प्रॉब्लम्स,
फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का जो चीफ मिनिस्टर था वो कौन था, भागमल सोठा। इसके साथ जो बाकी मिनिस्टर्स थे, जैसे कौन कौन से मिनिस्टर्स, बशीर चंद नेगी, बाबू दुल्ला राम, कुंवर रघुवीर सिंह, ये बने मंत्री। हेड कौन था, भागवत सोता, वजीर, दुल्ला राम, कुंवर रघुवीर सिंह, ये सारे आपसे पूछा जा सकता है कि बशीर दुल्ला राम किस किसके मंत्री थे, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आपके दुल्ला राम, कुंवर रघुवीर सिंह, ये सारे थे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कमेटी बनी थी, ये कब तक काम करती रही, 15 अप्रैल 1948 तक। कब तक, जब तक हमारा हिमाचल 30 रियासतों से बनके एक प्रांत नहीं बना, तब तक ये 8 मेंबर्स की कमेटी काम करती रही। अब क्या हुआ, जो कोटी का राणा था उसने एक अलग असेंबली जो है बना ली। उसने असेंबली कब बनाई थी, नवंबर 25। तो कोटी के राजा ने नवंबर 25 में कहाँ पे बनाई थी, कोटी में बनाई थी। और उससे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कमेटी है, ये कब तक काम करती थी, 1948 तक, 15 अप्रैल, जब हमारा हिमाचल बना था। अब सत्यदेव बुशहरी जो थे, उन्होंने बुशहर में ये सत्याग्रह चला दिया था, जिसमें अब जब ये सत्याग्रह चला तो काफ़ी लोगों को पकड़ा गया। तो ये जो था, हिंदी में है कि ठाकुर, देखे कुनिहार के ठाकुर आंदोलन से इतने प्रभावित थे कि जितने भी उस जगह के राजा थे उनको शामिल किया गया। जितने भी स्वतंत्रता दिवस पे ठियोग की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर थे, उन्होंने करमचंद को बाहर निकालने की बात की, फोर्स किया। तो करमचंद ने जो है 13 मेंबर्स की परिषद बना दी। बाद में 5 महीने तक उसने क्या किया, फिर से रिगेन की पावर विद द हेल्प ऑफ पीपल। लेकिन कहा जाता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने आर्म फोर्स को भेजा ताकि उनको उसको कैप्चर किया जाए और बाहर भेज दिया जाए। नेक्स्ट उसके बाद जुब्बल में दिग्विजय चंदर ने क्या कमेटी बनाई थी, 8 मेंबर्स की कमेटी, जिसमें से 5 इलेक्टेड थे, 5 नॉमिनेटेड थे। 5 इलेक्टेड और 5 नॉमिनेटेड क्या थे, कि ये मेंबर्स की कमेटी कब तक चलती रही, 15 अप्रैल 1948 तक चलती रही। और दूसरी कमेटी जो थी, ये कमेटी और इसी के बीच में राणा जो थे कोटी के, उन्होंने एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। कहाँ पे बनाई, आपके कोटी में बनाई। कब बनाई, नवंबर 1947 में बनाई, ठीक है। और दूसरी बात, बुशहर में किसने सत्याग्रह चलाया था, सत्यदेव बुशहरी ने। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इस चीज़ के लिए, फॉर दिस स्टेट एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज। अब क्या हुआ, जब ये प्रताड़ना चल रही थी, उसी टाइम पे जो इस रियासत के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट यूनियन किसने बनाई, एम्प्लॉयमेंट यूनियन किसने बनाई थी, कार्यकर्ताओं ने, जो इस रियासत के कार्यभार कार्य को संभालते थे, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट यूनियन बनाई थी, ठीक है। और जो राज्य की सरकार, क्योंकि जब ये कहते हैं ना प्रोपोगंडाज, ये सत्याग्रह चल रहे थे, तो अब उनके पास कोई हथियार नहीं था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनके इस डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स, और क्या रखी गई, रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स रखी गई। कब, 18 अप्रैल 1947 में, 18 अप्रैल को रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स रखी गई। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स जो है, मतलब एक जब ये मीटिंग हुई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि इतने सत्याग्रह चल रहे थे, तो उनको उनकी डिमांड्स को मानना ही था, जिसके बेसिस पे प्रतिनिधि जो अधिवेशन है वो चलते रहे। लेकिन इस अधिवेशन में जो है लोग सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो सदन में जो हाउस था, या सदन में जो है एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दी, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पहले इलेक्शंस, ये रिप्रेजेंटेटिव के लिए, लोकसभा इलेक्शंस नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इलेक्शंस हुए 1947 में। और किसकी पार्टी ने वॉन किया था, जब 1947 में इलेक्शंस हुए तो कौन जीता था, सत्यदेव बुशहरी। किसने एम्प्लॉयमेंट यूनियन बनाई थी, एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज, ठीक है। किसने नॉन कॉन्फिडेंस, जो कि वहाँ के लोग थे। अब क्या हुआ, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हिल स्टेट्स ने ये कहा कि जो हिल स्टेट्स हैं वो किसके साथ, राजाओं ने ये डिस्कस किया कि जो हिल स्टेट्स हैं वो किसके साथ मर्ज हो जाएं, ईस्ट के साथ, पंजाब के साथ मर्ज हो गए।
और जो इस टाइम पे उस टाइम पे ईस्ट पंजाब के गवर्नर कौन थे, चंदूलाल त्रिवेदी, और चीफ मिनिस्टर कौन थे, गोपी चंद भार्गव। तो उन्होंने क्या किया, जो पंजाब के गवर्नर थे चंदूलाल और जो गोपी चंद भार्गव, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट पंजाब को क्या लिखी, लेटर लिखी, जिसमें क्या हुआ, लेटर लिखी, और कहा जाता है कि इस लेटर्स को जितने भी राजा थे उन्होंने अपोज किया। क्यों किया भाई अपोज, क्योंकि पंजाब का अलग कल्चर है, अलग लिंग्विस्टिक लेवल है, अलग लैंग्वेज है, जिस जो हिमाचल वालों को नहीं आती थी, हिमाचल वाले लोगों को ये चीज़ें नहीं आती थी, उनका बिहेवियर नहीं आता था, जिसकी वजह से लोगों ने, रियासतों के राजा ने, चिरंजी लाल ने, गोपी चंद भार्गव ने लेटर्स लिखी। किसको लेटर्स लिखी थी, आपके नेहरू और सरदार पटेल को। किसको लेटर्स लिखी, किसने लिखी, चिरंजी लाल मेहरा, आपका कहा जाता है चिरंजी लाल मेहरा, सरदार पटेल, चंदूलाल त्रिवेदी, इन सब ने लेटर्स लिखी कि किंग्स ऑफ हिल स्टेट्स, जिसकी वजह से जितने भी राजा थे वो शिमला में गैदर्ड हुए 1 जनवरी 1948 में, फर्स्ट पहले हफ्ते ऑफ जनवरी 1948 में जितने भी रियासत के जो राजा थे वो कहाँ पे गैदर हुए थे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि राजा कहाँ पे गैदर हुए, शिमला में हुए, कब हुए, पहले हफ्ते ऑफ 1948। तो मैंने आपको बता दिया कि जब बुशहरी ने सत्याग्रह आंदोलन चला दिया था बुशहर में, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट यूनियन बनी। 18 अप्रैल को जो है लोगों ने अपनी मांग, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ने जो है अपनी मांगों को स्वीकार करने का बता दिया, लेकिन विश्वास नहीं था, जिसकी वजह से अविश्वास पत्र सहमत कर दिया गया। लास्ट में जब भारत आज़ाद हो गया, तो उस टाइम पे गवर्नर जो गोपीराम और कहा जाता है चंदूलाल त्रिवेदी ने, इन्होंने एक लेटर लिखी कि इनको जो है ईस्ट पंजाब से मिला दिया जाए, लेकिन रूलर्स जो थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि पंजाब और हिमाचल में बहुत फर्क है कल्चर, लैंग्वेज और पहनावे और बिहेवियर का। तो जितने भी रियासत के राजा थे उन्होंने इसको अपोज किया, तो सबने एक लेटर किसको लिखी थी, नेहरू और सरदार पटेल को लिखी। जब सरदार पटेल और नेहरू को लेटर लिखी, तो उसमें जो है उनकी मीटिंग्स, मीटिंग्स कहाँ पे हुई, शिमला में हुई, और शिमला में जब मीटिंग हुई कब हुई, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ये सारा इसमें दिया है। ठीक है, इसमें जो है राजाओं ने एक रेजोल्यूशन पास, एक प्रण ले लिया कि जितनी भी हिल स्टेट शिमला में जो है एक गठन बनाएगी, संगठन बनाएगी, संघ के रूप में संगठित की जाएगी, शिमला की जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं उनको एक संघ के रूप में इकट्ठा किया जाएगा। ये जो है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़, टाइपिंग एरर जो होते हैं वो आपके हिल स्टेट्स ऑफ शिमला की जितने भी मैसेजेस हैं वो हिल स्टेट्स ऑफ शिमला में भेजे गए, और उन मतलब जितने भी मैसेजेस हैं, जितनी भी रियासतें थी शिमला की, उन सबको मैसेजेस भेज दिए गए, और उनको बोला गया कि अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनो, मतलब अपने अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि चुनो, और उनको जो है, जो प्रतिनिधि आपने चुना है उसको सोलन दरबार कब लगा था, 26 जनवरी 1948 को भेज दो, जहाँ पे मीटिंग्स होंगी और वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने की बात करेंगे। उस टाइम पे देखिए, जब सोलन दरबार लगा था तो उसकी अध्यक्षता की थी दुर्गा चंद ने, दुर्गा चंद जो थे, और दुर्गा चंद ऑफ भगाट लास्ट रूलर, जोगिंदर सेन ऑफ मंडी, ये दोनों कहाँ पे थे उस टाइम पे, दिल्ली में थे। दोनों किससे मिले, महात्मा गांधी से मिले, और उनको कहा कि लोगों को जो है, राजाओं को एक बैठक बुलाने के लिए, और अपने जब महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी ने यही बोला कि सारे राजाओं को मिलाओ, उसको उनको अपने फ्यूचर के बारे में बताओ। तो इससे जो है, यहाँ से शुरू होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल, कि जब जोगिंदर सेन ने 26 जनवरी 1948 को आपकी हिमाचल प्रांत का नाम रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका हिमाचल बना है। तो यहाँ से ये जो पार्ट है, दैट इज द प्रजा मंडल्स के बेसिस पे ही हमारा हिमाचल क्रिएट हुआ है। तो अब हम धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल में भी भरेंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट, आपको मैं बता दूंगी। तो आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस और शेयर करो, और जिनका HAS का पेपर है वो प्लीज़ सारी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए,
सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने कर लिया तो बाकियों से भी करवाए, एक से भला दो उसको बोले आगे भी करवाए। अगर आपका साथ रहा तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है या आपको मेहनत दिख रही है, बाकी आप पे है। आपका साथ रहा या आपका साथ मेरी मोटिवेशन है एज ऑलवेज आई सेड। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और रिकमेंड दिस चैनल। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को ज्वाइन कीजिए। लेट्स लर्न विद मी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, अगर सेशंस अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है या आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ and take care of yourself.